नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार सरकार ने अब लड़कियों को तोहफा दिया है। बता दें कि जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की लड़कियां हैं उनको बिहार सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। दरअसल जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाली छात्राएं हैं उनको अब मुफ्त में ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी जाएगी। बता दें कि सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये उन छात्राओं के लिए है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रही हैं और जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बताया जा रहा है कि तैयारी पूरी होने के बाद अगस्त से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर हफ्ते में एक दिन जो क्लास होगा उसका आयोजन किया जाएगा ताकि जितने भी छात्राएं हैं उनको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इस क्लास में वो आए और अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनको इंटरनेट की भी सुविधा दी जाएगी ताकि उनको पढ़ाई करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आखिर बिहार सरकार ने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लड़कियों के लिए क्या कुछ तोहफा दिया है और क्या कुछ स्कीम लेकर आई है जिससे उनको मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में काफी आसानी होने वाली है। नीतीश कुमार की तरफ से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लड़कियों के लिए बड़ा तोहफा है। अब घर बैठे पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिलने वाली है। जो लड़कियां मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती हैं उन्हें बिहार सरकार मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा देने जा रही है। कल्याण विभाग ने 38 जिलों में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में यह पढ़ाई शुरू होने जा रही है। 35,000 से ज़्यादा लड़कियों को इसका लाभ मिलने वाला है। बता दें कि तैयारी पूरी होने पर अगस्त से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। बिहार सरकार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाइन और मुफ्त शिक्षा के लिए काम में जुटी हुई है। आवासीय सुविधा के तहत लड़कियों को कोचिंग कराने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसमें मुफ्त इंटरनेट की सुविधा भी मिलने वाली है। पिछड़ा और अति पिछड़ा लड़कियों को जाने माने कोचिंग सेंटर से क्लास मटेरियल भी मिलेगा जिसमें सॉफ्ट और हार्ड कॉपी भी मिलेगा। छात्रों की समस्याओं को दूर करने के लिए सप्ताह में स्पेशल क्लास भी लिया जाएगा। वहीं कल्याण विभाग ने ऑनलाइन क्लास के लिए टीवी स्क्रीन नेट वेब और ब्लैक बोर्ड की भी तैयारी की है और इसको मुख्यालय से मॉनिटर किया जाएगा। बता दें इस बात की जानकारी पिछड़े और अति पिछड़े कल्याण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने दी है। उन्होंने बताया है कि कन्या आवासीय स्कूलों में पढ़ रही लड़कियों के अलावे पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी यह सुविधा दी जाएगी। तो बता दें कि बिहार में इस योजना से 35,000 से ज्यादा लड़कियों को लाभ मिलने वाला है और अगस्त से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।